सो ही देयर एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ आवर पोकेमॉन ब्लैक टू एडवेंचर। तो पिछले एपिसोड में हमने डिफीट किया था इस गेम के पहले जिम लीडर यानी कि हमारे भाई चरण को, विच वॉज अ रियली अमेजिंग बैटल। एंड आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारी जर्नी को हमारे होम टाउन से आगे एंड विल मेक आवर वे टू द नेक्स्ट सिटी। सो लेट्स जस्ट क्विकली मेक आवर वे देयर एंड होपफुली हमें बीच में कुछ ज्यादा वियर्ड पोकेमॉन्स देखने ना मिले। एंड स्पीकिंग ऑफ पोकेमॉन्स, लास्ट एपिसोड और उससे पहले के एपिसोड्स के बाद भी यू गाइस सजेस्टेड मी सम रियली गुड पोकेमॉन्स, जिनमें से दो को तो हम पहले ही कैप्चर कर चुके हैं, विच इज रियोलू एंड मरीप। बट यू गाइस ऑल्सो सजेस्टेड मी सम रियली गुड पोकेमॉन्स जिन्हें हम आगे जाकर कैप्चर कर सकते हैं। वेल फॉर द फ्लाइंग आई वॉज थिंकिंग कि मैं एक मैंडाबस का इस्तेमाल करूँ, बट मैंडाबस को हम काफ़ी लेटर गेम में ऑप्टेन कर सकते हैं। सो समवन सजेस्टेड मी टू कैच अ पीडव जो कि एक्चुअली काफ़ी अफेक्टिव हो सकता है हमारे लिए, बिकॉज लास्ट टाइम हमने यूज़ किया था एक सिगलिफ का एंड वी गॉट हिम वेरी वेरी लेटर इन टू द गेम, जिसकी वजह से उसे ट्रेन करने में भी मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। सो इफ़ वी कैन फाइंड सम पीडव्स रियली क्विकली सो आई एम गोना कैच दैट। बट अगर मौका मिलता है एक मैंडाबस को कैप्चर करने का सो वी कैन डू दैट एज वेल। एंड फॉर द फायर टाइप पोकेमॉन आई वॉज थिंकिंग टू कैच अ डार्मेनिटन, बट यू गाइस टोल्ड मी दैट देयर आर आर्कनाइन्स इन दिस गेम जो कि काफ़ी कूल हो सकता है। सो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू ट्राई एंड कैच वन आर्कनाइन ऑल्सो। सो ओके मुझे फिर से एक्सप्लेनेशन नहीं सुनना था, सो आई वॉन्टेड टू स्किप दैट बट इट हैपेंड। ओके एंड आई थिंक प्रियंका ने हमारे पोकेडेक्स को अपडेट किया है, विच इज़ ओके। सो या आई विल सी कि हम कौन से पोकेमॉन को कैप्चर कर पाते हैं, बट फॉर द टाइम बीइंग हमें यहाँ से जाना पड़ेगा नेक्स्ट सिटी की तरफ, सो वी विल हैव टू गो थ्रू हियर। मैंने डेफिनेटली इस भाई को चैलेंज नहीं किया है एंड आई थिंक हमें इसी साइड जाना है, सो लेट्स टॉक टू दिस डूड। हे देयर क्लेमिंग थिंग, देयर इज द बेसिक बैच, बट डोंट गेट अ स्वेल्ड हेड, इट्स अ रफ वर्ल्ड आउट देयर, हे हियर आई विल शो यू। ओके तो भाई लगता है कि इससे बैटल करनी पड़ेगी। वेल दैट वॉज अ रियली इजी बैटल, मैंने कुछ ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली पोकेमॉन को इस्तेमाल करने की कोशिश की, विच आई शुडंट हैव बिकॉज ये सीरीज में थोड़ा फन के लिए खेल रहा हूँ, सो इट्स नॉट दैट कि हमें पूरा फुल स्ट्रैटेजिकली खेलना चाहिए। बट लगता है कि चरण एंड यू इज हियर एंड दे वॉन्ट टू शो अस समथिंग। ओके लेट्स सी, आई थिंक ये हमें डार्क ग्रास के बारे में बताएगा, या आई नो अबाउट दैट। हमें यहाँ पर डबल पोकेमॉन्स देखने मिल सकते हैं विच इज़ एक्चुअली रियली कूल। ही गेव अस अ पीच बेरी जो कि आगे मदद कर सकता है, सो या इट विल बी गुड। एंड बाय द वे लास्ट एपिसोड के बाद जब मैंने जिम लीडर को डिफीट किया, आई वेंट अहेड और मैंने कुछ पोशंस और रिपल्स को ख़रीदा है। आई थिंक मुझे कुछ और रिपल्स को ख़रीदना चाहिए था बट आई रन आउट ऑफ मनी, सो जल्दी से एक रिपल लगा लेते हैं। एंड आई थिंक इट शुड बी समवेयर अराउंड हियर बिकॉज मैं हर बार रिपल्स को भूल जाता हूँ। वी हैव सिक्स, हाँ इट्स ओके इट विल बी फाइन फॉर द टाइम बीइंग। लेट्स गो इन, जल्दी से इस आइटम को ग्रैब कर लेते हैं। इट्स अ ग्रेट बॉल, इट कैन हेल्प अस अहेड, बट हम यहाँ पर एक्चुअली पीडफ्स को फाइंड नहीं कर सकते हैं आई गेस, सो विल हैव टू गो अप। और भाई मैं कोशिश कर रहा था कि इस लड़की को स्किप करने की, बट लुक्स लाइक वी आर गोइंग टू हैव अ बैटल। तो एक काफ़ी अमेजिंग बैटल, काफ़ी इजी बैटल थी, सो लेट्स गो अप। हमें मिल चुका है एक एंटीडोट, भाई मैंने जस्ट दो एंटीडोट्स को ख़रीदा था, सो वी एक्चुअली डोंट नीडेड दैट बट इट्स ओके। एक डायर हेड भी मिल चुका है विच इज़ ओके, ये भी हमारी मदद कर सकता है। वेल आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ इन गेम आइटम्स बट वॉट हैपेंड आई डोंट नो, इट जस्ट फ्रोज देयर। बट लगता है कि यहाँ पर एक डबल बैटल होने वाली है विच इज़ काइंड ऑफ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, सो लेट्स सी। ओके एक सुपर ईजी बैटल, लेट्स मेक आर वे थ्रू हियर और चलते हैं नेक्स्ट सिटी की तरफ। आई गेस वी आर क्वाइट क्लोज। ओके इसने हमें रोक लिया है। ओ यू यू आर विद थ्री पोकेमॉन्स बट इफ़ यू हैव मोर पोकेमॉन हैव मोर। ओके एंड ऑफ वी गॉट अल्ट्रा बॉल्स, आई मीन ग्रेट बॉल्स जो कि काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। वी ऑल्सो गॉट अ ग्रेट बॉल बैक, सो या हमारे पास काफ़ी ग्रेट बॉल्स हो चुके हैं आई गेस। बट वी मेड आर वे टू द नेक्स्ट सिटी और हमारा फ़ोन बज रहा है विच इज़ ओके, इट्स आर मॉम। ओके हाँ आई नो एंड शी समटाइम्स आस्क अस टू डिपॉजिट मनी आई गेस, नहीं वो शायद हार्ड गोल्ड में था, इट डज नॉट हैपन इन दिस गेम। बट ये कौन है? रॉक्सी डोंट ट्राई टू स्टॉप मी, आई एम ऑफ टू पोकेस्टार स्टूडियो टू लिव अप टू माय ट्रू पोटेंशियल, माय ड्रीम इज टू बी अ शिप कैप्टन अ मूवी स्टार। गेट रियल, यू आर कैप्टन ऑलरेडी aren't यू, इफ दैट शिप doesn't मूव यू आर गोइंग टू cause lots ऑफ ट्रबल। Oh dear daughter, you split your time between your responsibilities as a gym leader and with your band, right? I can do that too. And okay, he just went off and I think this is the gym leader Roxine.
You dimwit dance. Okay, I guess she is cursing. Doing double duty isn't the problem. You are causing problems for people. Keeping people from getting where they are going because of sheer selfishness. Unforgivable. I have had it. I'm going to go to the gym. Okay, so looks like hum ja sakte hai gym ke andar directly, which is okay. I don't want to use a repel. So main jaldi se jaakar heal up kar leta hu and we'll see ki hum aage kya kar pate hai. Okay, so now I've healed up and it seems ki hum directly challenge kar sakte hai gym leader ko, but I'm not going to do that in this episode. Hum wo karenge next episode mein, but for this episode we are just going to explore the city a little aur dekhte hai ki aur hum yahan par kya find kar pate hai. Will we be able to find some Pokemons? और देखेंगे कि हम और क्या find कर पाते हैं basically. So let's make our way down here. और ये एक नई facility जैसा कुछ है. Let's talk to this dude. Hey there trainer, it looks like you have got any Pokemon yet, Vidya. Can I ask for a favor? I need to get the workers in the complex fired up. How about it? Help a guy. हाँ definitely, देखते हैं. तो लगता है कि हमें सबसे बात करनी पड़ेगी. लेट्स सी. ओके, ये थोड़ा ऊपर है. ओके दैट्स ओके, बट भाई एक और बैटल. ओके दैट वाज अ रियली इजी बैटल. लेट्स मेक आवर वे थ्रू हियर. और लगता है कि हमें यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा. आई सी अ वर्कर देयर, सो लेट्स गो फ्रॉम हियर और नीचे जाकर देखते हैं व्हाट इज एक्चुअली हियर. ओके एक वर्कर है यहाँ पर. द सी वर्किंग एट द कॉम्प्लेक्स वॉज माई ड्रीम बट नाउ इट्स कम ट्रू. आई ठीक है वॉट द फोर मैन सेड. सो ओके फाइन, वी जस्ट हैव टू बैटल राइट. ओके भाई एक और बैटल. ओके दैट वॉज अ गुड बैटल. आई डेफिनेटली नीड टू गिव एंटीडोट टू किंग और उसे हील भी करना पड़ेगा. सो लेट्स जस्ट डू दैट. वी हैव अ लॉट ऑफ एंटीडोट्स. ओके तीन ही है बट आई एम जस्ट गोना गिव इट. और पोशंस भी दे ही देते हैं जल्दी से. लेट्स जस्ट क्विकली हील बोथ ऑफ दैम. And now, I guess with this, we'll be fine. Okay, we'll be fine. So, चलो चलते हैं आगे. And I guess that's it. There is nothing much here. Okay, हमें मिल चुका है TM46 for thief. Okay, ये हमारी मदद कर सकता है. Maybe or maybe not. We'll see about that. But for the time being, let's make our way up from here. और यहाँ से शायद हमें ऊपर जाकर उस भाई से बात करनी पड़ेगी. So, let's do that as well. I'm happy just to be with my awesome Pokemon. What a battle. I guess I'll play a bit. Okay, एक और battle. Okay, definitely I'm taking a lot of risk here, but it is working fine for us. तो जल्दी से फिर से heal up कर लेते हैं सबसे पहले जेड को and then we'll be able to proceed on. उसे paralyze कर दिया है इस भाई के Elekid ने, which was kind of bad, but we are quite okay. जैसे ये evolve हो जाएगा Lucario में, then we won't have to face the problem. और भाई I just dropped. I didn't want it to, but क्या ही करे. सो आई गेस वी हैव टू गो अप फ्रॉम हियर अगेन और थोड़ा स्लो प्ले करना पड़ेगा. विल जस्ट हैव टू बी क्विक एंड स्लो. और पीछे भी एक साइंटिस्ट जैसा कोई दिख रहा है. विल सी कि क्या हम उससे बात कर पाते हैं. बट फॉर द टाइम बींग आई थिंक वी हैव टू गो एंड टॉक टू दिस डूड ओवर हियर. और शायद ये भी हमें एक बैटल के लिए ही चैलेंज करने वाला है. Well, that was quite cool. Let's go down. और यहाँ पर शायद हम इससे बात करके battle कर पाएंगे. Okay, again a easy battle. और I guess we are almost done here. So let's make our way through here. और I guess अब नीचे जाकर देखते हैं. Let's talk to this girl first. और फिर उस lady से बात करके देखेंगे. Okay. I don't think there is nothing special. Let's talk to this lady over here. Sure, I'll be your opponent right alongside my trusty Woobat. Okay, a very easy battle and I guess almost we are done here. So let's go up aur us bhai se baat karke dekhte hain what does he say. And yeah, you did it, didn't you? Yeah, this is the token. Okay, we got Rock Smash. That is good. That is actually a really good move jo ki hamari madad kar sakta hai aage ke gym ke liye. So yeah, it was quite fun and I actually want to go and see that dude behind क्योंकि वहाँ पर I am sure कि कुछ ना कुछ special तो ज़रूर होगा. So let's go up from here और बात करते हैं इस भाई से. Heating crude oil separates it from the components. Okay. I guess he is a aid, some kind of like जो professor लोगों की मदद करता है. Let's see. Oh, my knowledge is overflowed and it's was overheard. And okay, he just went out. That is okay. And देखते हैं कि हम यहाँ पर कौन से Pokemon को find कर पाते हैं. Because I'm not sure. I guess we can find a Growlithe over here.
बट जब भी मोस्ट ऑफ द टाइम मैं यहाँ पर आता हूँ आई जस्ट फाइंड मैगबीज. सो आई डोंट नो कि वो शायद सिर्फ वाइट टू में ही मिलते हैं या फिर नहीं, बट इफ़ वी कैन कैच अ ग्राउलेट ओवर हियर दैट विल बी गुड. तो देखेंगे, वी आर गोइंग टू डू दैट इन द नेक्स्ट एपिसोड. बट फॉर द टाइमिंग एज यू कैन सी आई जस्ट गेट मैगबीज ओवर हियर. तो अगर ऐसा होता है एंड वी कैन नॉट कैप्चर अ ग्राउलेट इन दिस गेम, देन आई एम गोइंग टू कैच अ मैगबी फॉर श्योर. और मैं या फिर डार्मेनेटन का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ. इट विल डिपेंड ऑन द टाइम. सो या आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर मैं इस भाई से भाग पाया तो. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन बी शो टू हिट दैट लाइक बटन. नेक्स्ट एपिसोड में हम कंटिन्यू करेंगे हमारी जर्नी को और चैलेंज करने जाएंगे इस सिटी के जिम लीडर को, अगर मैं यहाँ से अलग हो पाया. बट नो भाई, रुक जाओ. वेट. वी गॉट अ ग्रावलेट. आई डिड नॉट एक्सपेक्टेड दैट. आई गॉट अ ग्रावलेट एंड आई एम जस्ट गोना ट्राई टू कैच इट फॉर श्योर. आई एम जस्ट गोना ट्राई टू कैच इट. ओके, तो यहाँ पर आई थिंक आई शुड फर्स्टली आई शुड हील, बिकॉज भाई जेड की लेवल का मतलब जेड की हेल्थ काफ़ी कम है. वी डोंट एक्चुअली हैव टू मेनी पोशंस ओवर हियर. मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसे ईजिली कैप्चर कर पाऊँ. ही इज़ गोइंग फॉर अ लियर. मैंने डेफिनेटली ये प्लान नहीं किया था. बट इफ़ वी आर गेटिंग इट, सो आई थिंक आई एम गोइंग गो इन फॉर अ क्विक अटैक. लेट्स होप मैं इसे थोड़े बेरेबल एच पी पर ला पाऊँ. ओके, दैट डेड ऑलमोस्ट नथिंग. ही इज़ गॉट ओडर्स लूट. अगर हम इसे कैप्चर कर पाते हैं, मुझे डेफिनेटली थोड़े से ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी. एंड आई एम क्वाइट एक्साइटेड फॉर दिस पोकेमॉन, जिसकी वजह से मैं थोड़ा फास्टली स्पीक कर रहा हूँ. या आई एम क्वाइट एक्साइटेड टू यूज़ अ ग्राउलेट एंड होपफुली मैं इसे जल्दी से इवॉल्व कर पाऊँगा एक आर्कनाइन में. आई थिंक वी कैन गो इन फॉर अनादर क्विक अटैक. प्लीज जस्ट डोंट किल इट. ओके, दैट्स एट अ बेरेबल एच पी. वी आर गोइंग टू यूज़ द ग्रेट बॉल्स जो कि हमें आज के ही एपिसोड में पहले मिले थे. सो आई एम जस्ट गोइंग टू थ्रो अ ग्रेट बॉल. लेट्स होप वी कैच दिस पोकेमॉन बिकॉज आई एम क्वाइट एक्साइटेड. अगर ऐसा नहीं होता है देन आई एम गोइंग टू स्विच इनटू स्पार्की. बट नो, वी डिडंट हैव टू स्विच फॉर दैट एंड वी गॉट ग्राउलेट इन आवर पार्टी. अब ग्राउलेट के लिए तो आई ऑलवेज यूज अ स्पेशल निकनेम जो कि मैं ऑलमोस्ट हर एक ग्राउलेट और आर्कनाइन को देता हूँ. सो आई एम जस्ट गोइंग टू कॉल इट रश. या आई रियली लाइक द नेम एंड आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट निकनेम्स फॉर अ पोकेमॉन. सो आई एम जस्ट गोइंग टू गो इन विद दैट. सो लेट्स जस्ट डू दैट एंड आई गेस विद दिस वेलकम टू आर टीम रश. सो या इट वॉज काइंड ऑफ अ गुड एपिसोड. आई मीन रियली आई एंजॉयड इट अ लॉट, एस्पेशली द लास्ट पार्ट. सो नेक्स्ट एपिसोड में हम कंटिन्यू करेंगे हमारी जर्नी को. विल चैलेंज द जिम और फिर देखते हैं कि और भी आगे क्या होता है. दिस सीरीज इज डेफिनेटली रियली इंटरेस्टिंग एंड दैट्स वाई जनरेशन 5 गेम्स आर वन ऑफ माई फेवरेट्स. सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. एंड अगर आपको पसंद आई है देन बी शो टू हिट दैट लाइक बटन. चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना. एंड आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट एपिसोड. अंटिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग.